नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। देश ने बाघों की गिनती में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। शावकों सहित बाघों की कुल संख्या हुई 2967, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में। सेना में महिला अधिकारियों को अस्थाई कमीशन देने के लिए केंद्र को 1 माह का समय और, करना होगा निर्देशों का अक्षरशः पालन। तो आइए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 11 जुलाई को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत ने अपने निर्धारित लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए अपने संकल्प को पूरा कर लिया। भारत ने 2018 में बाघ गणना में कैमरा टाइपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चरण में शावकों सहित बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल बाघ दिवस के अवसर पर इसके परिणामों की घोषणा की थी। दुनिया के इस सबसे बड़े सर्वेक्षण पर ट्वीट कर जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बीते 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। श्री जावड़ेकर ने आगे बताया कि हमारी गणना ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि हमने निगरानी के लिए अधिक कैमरे लगाए हैं। सर्वे के मुताबिक बाघों के सर्वे के लिए देश में 26,760 स्थानों पर 139 अध्ययन किए गए और इस दौरान 3.5 करोड़ से ज़्यादा बाघों के फोटो लिए गए। गौरतलब है कि गणना संबंधी आंकड़ा बीते साल जारी किया गया था, जबकि विश्व रिकॉर्ड की घोषणा अब की गई है। इस गणना से पहले साल 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जिसे 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवीन गणना के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्य में है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को 1 माह का और समय दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केंद्र को उसके फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करना होगा। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन देने और कमांड पोस्ट में भी तैनाती के संबंध में प्रावधान तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि अब तक सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। 14 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर का प्रावधान है, लेकिन अस्थाई कमीशन के तहत कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में कार्य कर सकेगा और पेंशन का भी हकदार होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में सरकार को कहा था कि युद्धक भूमिका में महिला अधिकारियों की तैनाती एक नीतिगत मामला है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की 25 फरवरी 2019 की नीति को स्वीकार किया, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला सैन्य अधिकारियों को भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं में अस्थायी कमीशन दिए। 17 फरवरी 2020 को शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि उन सभी महिला अधिकारियों को 3 महीने में सेना में अस्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प का चुनाव करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। न्यायालय का यह निर्णय सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। और अब अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना से निपटने के तौर तरीकों और पहले के गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया है। WHO के महानिदेशक ने इस समिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस महामारी का व्यापक मूल्यांकन जरूरी है, इसलिए इस समिति का गठन किया गया है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि WHO यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिक्रिया के बाद उठाया है। ट्रंप ने WHO पर चीन की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया।
आपको बताते चले कि WHO की इस समिति के अध्यक्ष संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति जॉनसन सर्लीफ होंगे। यह समिति नवंबर 2020 में अंतरिम रिपोर्ट और मई 2021 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यानी यूनिफिल में तैनात एक भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधित प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय बटालियन को यह पुरस्कार कचरा कम करने, कचरा का दोबारा इस्तेमाल करने और जैविक खाद पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया। वहीं आयरिश पोलिस बटालियन ने दूसरा पुरस्कार जीता। आयरिश पोलिस बटालियन को यह पुरस्कार सेक्टर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन केंद्र यानी IMC की परियोजना के लिए दिया गया। यह परियोजना का उद्देश्य कचरे को जैविक खाद में बदलकर स्थानीय लोगों को पहुंचाना है। आपको बताते चलें कि यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी। कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण तकरीबन सारे रोजगार देने वाली संस्था ठप पड़ गई है, जिससे इसमें काम करने वाले मजदूर धीरे धीरे अपने घर चले गए। इसमें से लाखों स्किल्ड मजदूर हैं जिनके बिना कार्य संभव नहीं है। इसी डिमांड सप्लाई गैप को भरने के लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर असीम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग है। इस पोर्टल के माध्यम से कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने, बाजार में मांग और पूर्ति के अंतर को कम करने और कुशल कार्यबल को खोजने में और नियोजन में मदद मिलेगी। इस पोर्टल से अधिक विकास को बढ़ावा देने वाले कुशल कार्यबल को सीधे संपर्क किया जा सकेगा। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को लेकर ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी DIT द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया। DIT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार UK में FDI के तहत निवेश करने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। अमेरिका पूर्व की तरह UK में FDI के तहत निवेश करने वाला प्रथम सबसे बड़ा निवेशक है। अमेरिका ने UK में 462 परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसमें 20,131 नौकरियां सृजित हुई। वहीं भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे UK में 5,429 नौकरियां सृजित हुई हैं। भारत वित्त वर्ष 2018-19 में 106 परियोजनाओं में निवेश किया था, जिससे वहां पर लगभग 4,900 नौकरियों का सृजन हुआ। UK में अन्य FDI निवेशकों में जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें स्थान पर हैं। देश की दिग्गज रिटेल चेन कंपनी फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकता है। फिलहाल अभी फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर वियानी हैं। इस डील के तहत फ्यूचर ग्रुप का पूरा रिटेल बिजनेस ही रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदेगा, जिसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। फ्यूचर ग्रुप के तहत FBB, बिग बाजार, फूड बाजार, फ्यूचर लाइफस्टाइल और अन्य रिटेल बिजनेस आते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम बिग बाजार का है, जो दो दशकों से एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए जाना जाता है। किशोर वियानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1987 में पैंटालून से की थी, जिसे 2012 में उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप को कर्ज के चलते बेच दिया था। किशोर वियानी द्वारा फ्यूचर ग्रुप को बेचने की सबसे बड़ी वजह कर्ज बताया जा रहा है। फोर्ब्स के मुताबिक वियानी फैमिली की दौलत 1.8 बिलियन डॉलर से घटकर 400 मिलियन डॉलर पर आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने महामारी से निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। इस समय दुनिया भर में दर्जन भर से ज़्यादा वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टेज में भी पहुंच चुकी हैं। इसी बीच रूस से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। रूस की एक यूनिवर्सिटी में कोरोना के वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मास्को स्थित सेरोनोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा और बैच के पहले वॉलंटियर्स को 15 जुलाई और दूसरे बैच के वॉलंटियर्स को 20 जुलाई तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
इसके अलावा भारत में भी 4 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। हालांकि इतने टेस्टिंग के बाद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन आने में 2021 तक का अनुमान लगा रहे हैं। फिलहाल 8 PM न्यूज़ बुलेटिन के इस सेशन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।